पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए तैनात मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में जारी रहा। मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर जिले में दो लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर और बांसगांव है, जहां 1 जून को मतदान होना है। इन दोनों क्षेत्रों में तैनात मतदान कर्मियों का ये अंतिम प्रशिक्षण 27 मई तक चलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 31 मई को इन कर्मियों को चुनाव सामग्री प्रदान कर पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को पोलिंग डे के विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा रहा है। इनमें मॉक पोल से लेकर वास्तविक मतदान तक की सभी क्रियाएं शामिल हैं। साथ ही रियल पोल के दौरान होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदान कर्मियों द्वारा कुशलतापूर्वक और त्रुटिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, लोकसभा सामान्य निर्वाचन जनपद गोरखपुर में स्थित दो लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर और बांसगांव, जो पोल डे 1 तारीख है, उस दिन जो मतदान कार्मिक हमारे पोल कराने जाएंगे, तो उस पोल से संबंधित समग्र इनको प्रशिक्षण इत्यादि की प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि सामग्री प्राप्त करेंगे, उनको फिर जांच करेंगे, सामग्री सही होने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएंगे तो वो उनको निर्धारित वाहन में बैठा करके उनके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। फिर वहाँ पोल डे को सवेरे मॉक पोल से ले करके शाम को तक रियल पोल कैसे करवाने हैं, फिर इस पोलिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी को क्या क्या फॉर्मेट भरने हैं और कैसे लिफाफों की तैयारी करानी है, शाम को मतदान ख़त्म होने के उपरांत जो कलेक्शन सेंटर है वहां पर आ करके क्लासिफाइड वे में 6 पैकेट के साथ मशीन को कैसे जमा करना है, समग्र पूरी रूप से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उस दिन सकुशल मतदान संपन्न करा के अपने बूथ पर अपने कलेक्शन सेंटर आ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए तैनात मतदान कर्मियों ने मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान किया। गोरखपुर में 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इन सभी मतदान कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था की गई थी। उसी क्रम में मंगलवार को मतदान कर्मियों ने लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से अपने मत का प्रयोग किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में तैनात मतदान कर्मियों का 20 मई से 26 मई तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे कार्मिक जो अपनी लोकसभा के अंतर्गत ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता हैं और उसी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में ड्यूटी लगी है, उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाता कर्मी फैसिलिटेशन सेंटर पर बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में लगे हुए कार्मिकों का 20 मई से 23 मई और 26-27 मई को प्रशिक्षण का कार्यक्रम नियत है, जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संपादित हो रहा है। साथ ही ऐसे कार्मिक जो अपनी लोकसभा के अंतर्गत ड्यूटी कर रहे हैं, यानी जो जिस लोकसभा क्षेत्र में मतदाता हैं उसी लोकसभा क्षेत्र के किसी विधानसभा में उनकी ड्यूटी लगी है, उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वह जिस बूथ पर अपनी ड्यूटी करेंगे उसी बूथ पर ईवीएम में अपना मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे कार्मिक जो अपनी लोकसभा से इतर अन्य लोकसभा में ड्यूटी कर रहे हैं, यानी अगर वो गोरखपुर का मतदाता है और बांसगांव लोकसभा में ड्यूटी लगी है, या बांसगांव लोकसभा का मतदाता और गोरखपुर लोकसभा में ड्यूटी लगी है, ऐसे लोगों को डाक मत पत्र के माध्यम से वहीं फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं हमारे, जहाँ पे कार्मिकों की ट्रेनिंग हो रही और उसी फैसिलिटेशन सेंटर पे उनको वोटिंग कराई जा रही है। नगर निगम के द्वारा महानगर में 3RRR सेंटर बनाया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम गोरखपुर में 16 पड़ाव केंद्र थे, जहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के लिए कूड़े को इकट्ठा करते थे और ट्रांसपोर्ट के जरिए कूड़ा जाता था। शहर की घनी आबादी में पड़ाव केंद्र से जहाँ एक तरफ गार्बेज फ्री सिटी 7-स्टार रेटिंग के लिए समस्या थी, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई वर्षों से ये पड़ाव केंद्र
चलाए जा रहे थे, नगर निगम के द्वारा ये प्रतिबद्ध जाहिर की गई है कि पड़ाव केंद्रों को फेज वाइज समाप्त करना है ताकि शहर को गार्बेज फ्री सिटी का तमगा दे पाए। इसी क्रम में गोरखपुर शहर में 16 पड़ाव केंद्र थे, जिसमें से 8 पड़ाव केंद्र को खत्म कर दिया गया और नगर निगम को 3-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। हमारा प्रयास है कि नगर निगम को 7-स्टार रेटिंग प्राप्त हो, जिसके लिए 0 पड़ाव केंद्र होने चाहिए। जिसके लिए क्रम वाइज पड़ाव केंद्रों को समाप्त किया जा रहा है, वहां पर RRR सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। सिविल लाइन्स में पहला RRR सेंटर बना है, इसके साथ ही हम RTO के पड़ाव केंद्र को खत्म कर वहाँ RRR सेंटर बना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल ने कहा, नगर निगम गोरखपुर में पड़ाव केंद्र थे, यहाँ पे 16 पड़ाव केंद्र थे, जहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के लिए हम कूड़े इकट्ठा करते थे और वहाँ से सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के जरिए कूड़ा जाता था। शहर के घनी आबादी के बीच में इन पड़ाव केंद्रों से, जहाँ एक तरफ गार्बेज फ्री सिटी 7-स्टार रेटिंग के लिए समस्या थी, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कई वर्षों से ये पड़ाव केंद्र चले आ रहे थे। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई कि इन शहर के सभी पड़ाव केंद्रों को हमें फेज वाइज समाप्त करना है, जिससे शहर को, गोरखपुर महानगर को हम गार्बेज फ्री सिटी का तमगा दे पाएं। इसी क्रम में पिछले साल हम गोरखपुर शहर को 16 पड़ाव केंद्र थे, 16 पड़ाव केंद्रों में से हमने 8 पड़ाव केंद्र खत्म करके गार्बेज फ्री सिटी 3-स्टार रेटिंग भी प्राप्त हुई। लेकिन अब हमारी नज़र गार्बेज फ्री सिटी 7-स्टार रेटिंग पर है, इसके लिए 0 पड़ाव केंद्र होने चाहिए। इसी क्रम में पड़ाव केंद्रों को हम समाप्त करते जा रहे हैं और जिन पड़ाव केंद्रों को समाप्त कर रहे हैं वहाँ पर हम RRR सेंटर की स्थापना की जा रही है। शहर का पहला RRR सेंटर हमने सिविल लाइन्स में बनाया था और उसी क्रम में जो पड़ाव केंद्र RTO पड़ाव केंद्र दुर्गाबाड़ी और हट्टी माई, ये पड़ाव केंद्र हम समाप्त कर रहे हैं। कूड़ा गिरना यहाँ बंद हो गया है, क्योंकि हमारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लालडिग्गी पूर्णतः संचालित है और इसी के साथ साथ दूसरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी हमारा चरगांवों में बन रहा है। तो बहुत ही अच्छा वो है और इसको हम RRR सेंटर बना रहे हैं। अभी हमने RTO वाले पड़ाव केंद्र को समाप्त किया है और उस पर RRR सेंटर बनाकर शहर को एक गार्बेज फ्री सिटी का हम प्रयासरत हैं कि 7-स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी गोरखपुर नगर निगम को प्राप्त हो। बसपा के गोरखपुर सदर के लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो वे गोरखपुर में एक बड़ा उद्योग लगाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, यहाँ की जनता उनको पहचानती नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार झेल रही है, इनको जनता नकार रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर गोरखपुर में पूरी सुविधा हो मुहैया कराकर जनता को राहत पहुँचाने में सहायक बनूंगा, इसके साथ ही गोरखपुर में सारे रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए बसपा के लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने कहा, आज बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में आम जनता के सामने अपना ताकत मांग रही है, वोट मांग रही है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जीत कर आएंगे, माननीय बहन जी को सदन में सांसद बनाएंगे, सदन में प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इस देश में संविधान की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और देश में जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो लोग अंबेडकरवाद के विरोधी हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के विरोधी हैं, उन लोगों को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। वो लोग विरोधी हैं जो लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के बनाए गए संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोधी हैं जो लोग अभी ताकत में हैं और कानून की बात नहीं करते, सिर्फ FIR दर्ज होने पे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, वो लोग विरोधी हैं जो लोग जेलों में बंद लोगों को गोलियों से मरवा दे रहे हैं। यानी बुलडोजर चलना गलत है? कतई गलत है, कतई गलत है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना गलत है? नहीं, वो क्यों गलत है? उसके लिए तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, एक भी आप वो बता दीजिए मकान जो बुलडोजर से गिरा हो। और 2007 से 2012 तक का जो अपराध का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो अपराध नियंत्रण था, जो FIR रजिस्टर्ड है वो FIR, और दो जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में FIR रजिस्टर्ड है, दोनों FIR का मेल कराइए। आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार से 12 गुना ज़्यादा अपराध हो रहा, तो बुलडोजर चलाने से अपराध रुका कि बढ़ा? बुलडोजर चलाने से अपराध रुक नहीं रहा है, बुलडोजर अपराधी बनाने की मशीन है।
जिनके घर में 12 साल का बच्चा होगा और आप बुलडोजर चला के उसका घर उसका उसके सर से छत हटा देंगे तो 12 साल का बच्चा क्या बनेगा? वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या अपराध की तरफ जाएगा? बुलडोजर अपराध ही पैदा करने की मशीन है। आपने कहा कि गोरखपुर के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, जनता मुझे अवसर देगी तो हम विकास करेंगे। ये जो वर्तमान सरकार में गोरखपुर के अंदर नाले नालियाँ ये सब बन रहा है, क्या विकास की कड़ी नहीं है? नाले नालियाँ जो बन रहे हैं ये विकास की कड़ी नहीं है, ये आज की ज़रूरत है। गोरखपुर में विकास तब होगा जब गोरखपुर की जनता के घर में चूल्हा जलेगा। असली विकास तब है जब गोरखपुर के नौजवानों का पेट भरेगा। असली विकास तब है जब गोरखपुर के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब गोरखपुर के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जब गोरखपुर के बच्चे अच्छी सर्विस में जाएंगे। और ये तब जाएंगे जब गोरखपुर में जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं में गोरखपुर के नौजवानों की भर्ती होगी। आपने कहा कि उद्योग ये लगे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, गोरखपुर के लोगों को ही उसमें रोजगार मिले क्योंकि संकट वो झेलते हैं तो लाभ भी उनको मिलना चाहिए, और आप भी उद्योग लगाने की एक तरफ बात कर रहे हैं। तो मैं उद्योग लगाऊंगा तो गोरखपुर के लोगों का उसमें रिजर्वेशन कराऊंगा। 90% गोरखपुर के लोग रहेंगे उसमें कर्मचारी, और जो उद्योग अभी लगे हुए हैं केंद्र सरकार के उन सारे उद्योगों का हम गोरखपुर की जनता की तरफ से और स्वयं गोरखपुर की तरफ से उन सारे उद्योगों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसकी ज़रूरत है। मगर उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी इसी गोरखपुर के होने चाहिए, कम से कम 90% लोग इसी गोरखपुर के होने चाहिए। आप कहते हैं रवि किसान रिफ्यूजी है, लेकिन वो कहते हैं हम घर बनवा के तुरा रहे हैं। किसी के घर बनवाने से कोई गोरखपुरी थोड़ी हो जाएगा। अगर घर बनवाने से लोग गोरखपुरी होने लगे तब तो बहुत आसान है, कोई कहीं से आके घर बनवा ले। घर बनवाने से नहीं होता। गोरखपुर का तो वो है जो गोरखपुर में पैदा हुआ हो, गोरखपुर के सड़कों पे खेला हो, गोरखपुर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हो, गोरखपुर के छात्र संघ का चुनाव देखा हो, वो गोरखपुरी है ना। ये बाहर से आके मकान बनवाने से कोई गोरखपुरी थोड़ी हो जाएगा। यानी कि रवि किशन को आप लोग इस नाम पर बाहर भेजेंगे? जनता भेजने को तैयार है, मेरा तो एक ही वोट है मेरे भाई। जनता 16 लाख मतदाता इस बार बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठे। लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 4 पहिया वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर सदर व बांसगांव लोकसभा शामिल है, जिसको संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो 31 मई को मतदान कार्मिक 1 जून को मतदान के लिए ईवीएम के साथ रवाना होंगे। दारी